नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल आपका यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आंसर की को जारी कर दिया गया है। आप सभी ने अपने मार्क्स जरूर जोड़ लिए होंगे, लेकिन आप सभी ने, मैंने आपको बताया था, कम्युनिटी में एक पोल करवाया है, वहाँ से आपको जाकर अपने जितने भी मार्क्स हैं उसको पोल करना है। तो प्लीज़ उसमें ज़रूर पार्ट लीजिए, जिससे कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है उसका एक अनुमान लगाया जा सके। अभी भी बहुत कम लोगों ने वोट दिए हैं, प्लीज़ आप सभी लोग जाकर ज़रूर वोट दीजिएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप सभी ने कल बोला था, लेकिन लाइव हो नहीं पाई मैं आज, मतलब कल लाइव आ नहीं पाई थी, तो मैं आज डिस्कशन करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों का जो एक डिस्कशन है, कंफ्यूजन है, वो ये है नॉर्मलाइजेशन का। काफ़ी लोगों के जैसे 19.5 आ रहे हैं कंप्यूटर्स में, तो वो लोग उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन में है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मलाइजेशन होता है और काफ़ी अंकों का होता है। पिछली बार अगर आपसे बात करें दोस्तों, जो कट ऑफ गई थी टाइपिंग के टाइम पे, आपको पता होगा यूपीपीसीएल में 3 गुना को बुलाया जाता है, ठीक है। जो 18 में आपकी वैकेंसी आई थी दोस्तों, उसमें 2200 लगभग वैकेंसी थी, यानी कि 3 गुना का मतलब 6000 समथिंग लोगों को बुलाया गया था। इस बार आपकी 1200 कुछ वैकेंसी है, तो समझ लीजिए आप 3600 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब जो आप सोच लीजिए, कट ऑफ पिछली बार आपको दिखा दे रही हूँ, और डेटा दिख रहा होगा, देख लीजिए स्क्रीन पे, ये लास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ है 2018 की, जब 2200 लगभग वैकेंसीज थी, तब 6000 लोगों को बुलाया गया था। जनरल की आपको दिख रही है 128 कट ऑफ गई थी। अब मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा असर होता है। कुछ कैंडिडेट्स के तो 128 से ऊपर थे, जनरल की बात कर रही हूँ, ऐसे सब में देख लीजिएगा आप, एससी ओबीसी सब में, तो उसमें क्या हुआ था, 128 वालों को बुलाया गया था, लेकिन कुछ लोगों की शिफ्ट, जैसे शिफ्ट वाइज पेपर होता है, कुछ लोगों के 108 अंक थे, 108 अंक वाले को भी वहां पर मिलने का मौका मिला, वो भी टाइपिंग देने गया था। यानी कि आप समझ लीजिए 20 अंकों का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और नॉर्मलाइजेशन जो होता है, आप लोग बार बार पूछ रहे थे, मैंने पता किया है सर से, उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन हर सेक्शन में होता है। कंप्यूटर में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, बाकी भी सेक्शंस में नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं पहले दिन की अगर बात कर लूँ एग्जाम की, क्योंकि पेपर में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया था, जीके हर आपकी जितनी भी शिफ्ट की मैंने एनालिसिस की थी, आप लोगों से रिव्यू मिले थे, तो जीके सभी की मोर और लेस थोड़ी सी वैदिक से ज़्यादा आई थी, मतलब जीके थोड़ी सी डिफरेंट थी, आपकी डिफिकल्ट थी, इनफैक्ट कह सकते हैं आप उसको। और अगर बात करें आपकी इंग्लिश वगैरह की, हिंदी की, तो हिंदी में जैसे संधि, समास, रस, छंद, ये सब नहीं आए थे, सबसे ज़्यादा मुहावरे और लोकोक्तियाँ आया था। तो जो पहले दिन का पेपर जिनका होगा, उनको कोई उसमें डाउट नहीं है कि उसको थोड़ा सा उनको हेल्प नहीं मिल पाई होगी, लेकिन उसके बाद रिव्यू की हेल्प की वजह से बाकी लोगों ने मुहावरे लोकोक्तियाँ अच्छे से पढ़ा ज़रूर होगा। तो देखिए, बात कर लें दोस्तों, तो पेपर जो है वो 2018 में जैसा आपका आया था मॉडरेट टाइप का पेपर, वैसा ही था, ये नहीं कह सकते बहुत टफ आया था। हाँ, कुछ चीज़ों की कन्फ्यूज़न आप सभी को हो गई थी, जैसे कंप्यूटर में आपसे माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में पूछा गया था, जो कि कुछ अलग नहीं है, सारे फंक्शन सब कुछ एक जैसे ही हैं, सिर्फ वो ऑनलाइन काम करता है, जो आप नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट पढ़ते हो वो ऑफलाइन काम करता है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम करता है। छोटी छोटी डिफरेंसेस थे, बाकी अगर कीज़ वगैरह की बात की जाए तो दोनों सेम थी। तो जिसको जिसने सही कर लिया होगा उसको मार्क्स पता चल गए होंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ पहले आप लोगों को करनी कि प्लीज़ आप लोग पोल में ज़रूर पार्ट लीजिए, उससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि कट ऑफ कितने जाने के चांसेस हैं, ठीक है। लास्ट ईयर की मैंने आपको बात बता दी कि 128 जनरल की गई थी टाइपिंग के पहले, और टाइपिंग के बाद, आपको पता है कि 20 अंकों की अभी टाइपिंग है, उसके बाद 152 अंक गए थे, ठीक है। तो जो लोग बॉर्डर पर रहेंगे वो वैसे भी थोड़ा सा, मतलब इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि 3 गुना को बुलाया जाएगा, तो कुछ तो टाइपिंग से बाहर हो जाएंगे खुद ही बखुद, और कुछ लोगों के मार्क्स का भी इशू रहेगा, क्योंकि मार्क्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 20 से ज़्यादा हो जाते हैं। 128 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो 148 ही हुआ, और 4 अंक और ज़्यादा गए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आप लोग वो करिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के और भी एग्जाम्स हैं। तो अगर यहाँ पे आपका नहीं अच्छा हो पाया तो मैं यही कहूँगी, डीमोटिवेट मत होइए, परेशान मत होइए, दूसरी परीक्षा की तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जिनको है लगता कि नहीं बॉर्डर पे है और उनको टाइपिंग आती है, तो वेट मत करिएगा, यूपीपीसीएल बहुत तेज़ में प्रोसेस करती है, आपकी टाइपिंग की डेट कभी भी आ सकती है, आंसर भी आपके जल्दी ही, मतलब आपका जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, प्लीज़ पोल में जल्दी से पार्ट ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ बता सकूँ कितनी जा सकती है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं उसके लिए भी आपकी वीडियो लेकर आ जाऊँगी, नहीं तो आपको वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। बाकी भी जो एग्जाम्स की आपकी परीक्षा से जुड़ने के लिए धन्यवाद।